काम खत्म हो गया, लंच, कपड़े तय होने थे, वो बर्तन और किचन की क्लीनिंग, घर की साफ सफाई सब कुछ हो गया। बच्चों को मैंने अभी हल्का फुल्का नाश्ता भी दे दिया खाने के लिए, और ट्यूशन सर आएंगे, उनके 6:30 बज गए हैं अभी, तो आएंगे पढ़ाने के लिए। और मुझे मार्केट भी जाना है, कुछ जरूरी चीजों की जरूरत है वो लेने, मेरे बच्चों की फरमाइश है। तो मेरे पास अभी 1 घंटा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं रात का खाना बनाते जाऊं, लेकिन ज्यादा लेट ना हो जाए, इसलिए मैं रोटी जब हम वापसी आएंगे तभी बनाऊंगी। और अभी मैं क्विक से बैंगन का भरता बना देती हूँ, जल्दी से बन जाएगी, क्योंकि अगर आने में अगर ज्यादा देर हो गई तो फिर मैं सब्जी नहीं बना पाऊंगी, खाने का टाइम हो जाएगा। तो
तो इसलिए फटाफट से मैं बना देती हूँ बैंगन का भरता। एकदम क्विक सी रेसिपी है, 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा आप लोग जरूर बनाइएगा और मेरी गारंटी है आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि बैंगन के भरते में ऐसी कौन सी बड़ी चीज है। दो तरह की होती है, एक जो हम लोग चावल के साथ खाते हैं और एक जो की रोटी के साथ। आज मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगी जो हम लोग रोटी के साथ खाते हैं। तो फिर चलते हैं फटाफट से बनाने के तरफ, क्योंकि उसके बाद मुझे कपड़े चेंज करके मार्केट जाना है। और बैंगन के भट्टे के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत है वो मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ, क्योंकि अगर मैं कुकिंग प्रोसेस के वक्त आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी। और रीजन है मेरा जो एग्जॉस्ट फैन, वो ऑन करती हूँ मैं कुकिंग करते वक्त, ताकि घर में पूरा धुआं ना फैले। और जब मैं कुकिंग करूंगी तो आप लोगों को मेरी वॉइस ओवर सुनाई देगी, ठीक है। अच्छा जी, तो ये है बैंगन जिसको हमने रोस्ट एंड मैश किया हुआ है। उसके बाद है ये दो मीडियम साइज के प्याज और उसके साथ दो हरी मिर्ची, आप अपने हिसाब से ले हरी मिर्च। और ये है दो टमाटो मीडियम साइज के, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये है मटर, और ये धनिया के पत्ते, ठीक है। और इसके साथ जो भी बेसिक चीजें जरूरत होगी वो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल दोनों ही एक ही साथ शामिल किया है, आप चाहे तो कोई एक भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें ऐड किया है मैंने सरसों और उसके बाद जीरा, इन दोनों के तड़के के बाद उसके बाद हरी मिर्ची और प्याज डाल दें। प्याज बस थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाए उसके बाद इसमें डाल देने हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। आप ग्रेटेड अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास पेस्ट है तो मैंने पेस्ट डाल दिए। इसकी बुनाई थोड़ी देर तक करनी है जब तक अदरक और लहसुन की कच्ची स्मेल जो है वो ना चला जाए। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया कि जिसमें मैं रखती हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट वो ख़त्म हो गया था, तो थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ये भी शामिल कर लिया। अब इसकी अच्छे से भुनाई करनी है और इसके बाद फिर इसमें डलिएगी एक बड़ी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर। इसके बाद फिर से भुनाई
अब इसमें टमाटो डाल दें और इसके बाद इसमें डाल दें नमक और इसको स्लो फ्लेम पे ढक के पकने के लिए छोड़ दें तकरीबन 10 मिनट। टमाटो तो सारे गल ही गए होंगे, बस आप ढक्कन खोल के इसको अच्छे से मैश कर दें। अब इसमें शामिल करेंगे मटर। मैं मटर ज़रूर से शामिल करती हूँ, आप भी ज़रूर करें, इससे टेस्ट जो है वो ज़्यादा इन्हेंस होती है। अब इसमें डाल दे बैंगन का जो पल्प है वो। अब इसको अच्छे से स्टर करें। अब बारी आती है शामिल करने की हमारी प्यारी सहेली धनिया की। आप जितना चाहें शामिल कर लें, टेस्ट अच्छा ही आएगा। A few moments later. बन गया है बैंगन का भरता और उसके साथ मेरी चाय। टाइम बहुत लेट हो गया है तो मुझे अभी मतलब सॉरी क्या बोली हूँ, अभी मुझे मार्केट भी जाना है तो झटपट से आपके सामने मैं थोड़ा खा लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि पहली बार खा रही हूँ, बस आप लोगों को दिखा के पहली बार खा रही हूँ और जब तक मैं ये एंजॉय करती हूँ आप देखिए। अच्छा जी, जो मैं मार्केट से लाई वो ये है कि ये एक बेडशीट है, ये लेने का प्लान नहीं था लेकिन मेरे हस्बैंड ने देखा और उनको बहुत ज़्यादा पसंद आए तो उन्होंने 3 सिलेक्ट किया था लेकिन मैंने कहा कि पहले एक लेते हैं, अगर बिछाने पर अच्छा दिखेगा तो फिर हम दूसरा और तीसरा भी ले लेंगे। और इसके बाद मैंने लिया है ये एक डोसा पैन, मेरे पास 2 हैं ऑलरेडी लेकिन फिर से मुझे ये सारी चीज़ें देख के पता नहीं क्यों मैं खाली हाथ नहीं आ सकती तो फिर मैं ये ले आई। और इसके बाद ये स्क्वायर शेप में जो कटोरी है ये भी मेरे पास ऑलरेडी है 6 का पीस लेकिन मुझे दिखे तो मैं ले आई और ये बहुत ज़्यादा हैवी बॉटम का है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और ये भी जो है ये ज़्यादा डीप नहीं है, थोड़े लाइट फॉर्म में है लेकिन इसका जो बेस है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मैंने ये भी ले लिया 6 का पीस। और मुझे ऐसी कटोरी वगैरह ग्लासेस प्लेन जो होते हैं बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और उसके बाद मैंने लिया है केक बनाने के लिए बटरस्कॉच का एक क्रश और ये बच्चों की फरमाइश थी, चॉकलेट केक वगैरह सारी चीज़ें तो लाना ही था। उसके बाद ये 2 चॉकलेट, हालांकि मैं चॉकलेट ना भी बनाऊँ तो ये कच्चा ही खा जाते हैं इसलिए मुझे बनानी पड़ती ही है। और इसके बाद मैंने लिया है ये है चिया सीड और ये मेरे हस्बैंड के लिए है, सुबह वो खाली पेट लेते हैं, ख़त्म हो गया था तो मैं ले आई। और उसके बाद ये ओरिगानो मिक्स है ये पिज़्ज़ा वगैरह में डालने के लिए, ये भी ख़त्म हो गए थे मतलब थोड़े थे इसलिए मैं ले आई।
ये है केक जेल, और जब मैं आप लोगों के साथ केक की रेसिपी शेयर करूँगी तब इसका यूज़ आप लोगों को पता चलेगा। और ये है चेरी, और ये है पाइनएप्पल क्रश। तो लगभग ये सारी चीज़ें चॉकलेट और केक से ही जुड़े हैं। तो जी, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।